रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की साख पे बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं लालगंज कोतवाल। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए लालगंज पुलिस अपनी ही मनमानी कर रही है। पूरा मामला लालगंज के साकेत नगर मोहल्ले का है, जहां 9 दिन पूर्व 11 वर्षीय बालक की हत्या का मामला सामने आया था और लगातार परिजन लालगंज पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लालगंज पुलिस पीड़ित की तहरीर पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज पीड़ित एसपी ऑफिस पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से मुलाकात करते हैं और उनसे अपनी आपबीती बताते हैं, जिसको रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामले की जानकारी ली और थानेदार राजेश सिंह से यह सख्त निर्देश भी दिया कि जल्द से जल्द इस पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए। आइए आपको भी सुनवाते हैं पीड़ित परिजनों की जुबानी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई? लालगंज से। आना कौन सा? लालगंज। क्या हुआ? मेरे बच्चे को ना गला घोट के कोई किसी ने मार के फांसी उसे चैनल में लटका दिया। तो आने गई थी आप? जी। सुनवाई हुई वहाँ पे? नहीं। आज कहाँ आई? आज तो मैं रायबरेली आई। क्या मांग कर रही हैं आप? मेरी अन्याय चाहिए, मेरे बच्चे की सच्चाई जानना चाहिए हमको बस। किसने किया कांड, किसने नहीं किया? मैं तो रेल कोच में खाना बनाती थी, मैं 8 बजे निकलती थी, मैं 1:30-2 बजे घर आती थी। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? मेरा नाम जी लल्लन है। कहाँ पे आए हो? मैं एसपी ऑफिस में आया हूँ। मेरे बेटे की किसी ने गला दबा के हत्या कर दिया और चैनल से लटका दिया। मैं लालगंज कोतवाली के चक्कर काट रहा हूँ, आज 10 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। सर, मेरे बच्चे का कातिल पकड़ा जाए और अगर नहीं यहाँ पे सुनवाई हो रही तो मैं ऊपर तक भी जा सकता हूँ, लखनऊ ओगी जी के पास। क्या कर रहे हैं लालगंज पुलिस? क्या कर रही है? वो आश्वासन दे रही बस, और कुछ नहीं कर रही। वो एक बार भी मेरे यहाँ किसी से पूछताछ या कुछ भी करने नहीं आई।